अपने लिए ही होता है। Okay, so assalamu alaikum to everyone who is joining us in this live webinar. Assalamu alaikum to our guests as well. We have Abdul Samad Khan, CEO of Youth Impact, and Ishra Khaled, our project lead of Marshall 22. So I am Vanita Zafini. I'm Youth Impact alumni from Marshall 2017, and currently I'm working as a project director of Marshall 2020. So the agenda of this live webinar is to discuss updates on Marshall 2020. काफी लोग से बात कर रहे थे क्या इस दफा मार्क आउट थोड़ी बहुत हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में कोविड-19 के अंदर क्या हम लोग मार्क आउट 2020 कर भी सकते हैं या नहीं। तो इन सारे क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों के जिस टाइम से आ रहे थे, एड्रेस करने के लिए हम ये लाइव वेबिनार कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है वो हम एड्रेस करूँ और उनको हम बारी बारी डिस्कस करते जाएं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो एक कमेंट सेक्शन में नीचे आप ऐड करते जाएं और हम साथ में उनको भी डिस्कस करते जाएं, और फिर हम दूसरे क्वेश्चन बाकी बचेंगे उनको पहले डिस्कस कर लेंगे। तो समद भाई, आपसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मार्को कॉन्फ्रेंस है कब ये स्टार्ट हुई और असल में ये है क्या? सिंस यू आर द सीईओ ऑफ यूथ इंपैक्ट, सो जबरदस्त खवातीन मेरे राइट और लेफ्ट पे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले बताता चलूं ऑडियंस को कि वनीजा से अगर आपका तारुफ नहीं है तो वनीजा वॉज प्रोजेक्ट लीड फॉर मार्कफोर 2019। तो लास्ट ईयर का मार्कफोर इन्होंने डिजाइन किया, डिलीवर किया, कंडक्ट किया, और इस साल वनीजा एज अ मेंटर एंड एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस होल कॉन्फ्रेंस, शी इज पार्ट ऑफ दिस होल इनिशिएटिव। और इसी कंटिन्यूटी में जो इफ्रा खालिद आपको नजर आ रही हैं ऑन स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे, सो इफ्रा वाज अ पार्टिसिपेंट ऑफ मार्कफोर 2018 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स इट इफ्रा, सो 2017, राइट। सो उसके बाद से इफ्रा बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एज वॉलंटियर यूथ इंपैक्ट के साथ काम करती रहीं, और इस साल 2020 के मार्कफोर के लिए जो सबसे यूनिक और सबसे चैलेंजिंग मार्कफोर है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भी है जो इफ्रा के लिए अल्लाह ताला ने बाई डिज़ाइन ऑफर की है कि वो जो झपटना पलटना, झपट कर पलटना। सो इस कॉन्टेक्स्ट में इफ्रा और वनीजा दोनों को मैं मुबारक देता हूं कि वो इस सारी सिचुएशन के अंदर के फेब मार्च के अंदर पैंडमिक क्रिएट हुआ और उसके बाद हम यहां तक पहुंचे जहां पे हम लोग बहुत अनसर्टेन थे कि मार्कफोर का क्या बनेगा, होगा या नहीं होगा, और जितने हज़ारों नौजवान पाकिस्तान भर के अंदर जो इंतज़ार करते हैं कि हम मार्कफोर के लिए अप्लाई करेंगे, दे वर सेंडिंग मी and sending messages to the whole team ke kya situation hai, kya status hai. So thank you very much for hosting this webinar jisme hame mauka mila ki hum ek saath milke sab doston ko, sab naujawanon ko updates de sake. So Vanisa, now coming to your question ke Mark 4 hai kya, to me bahut sare log Mark 4 kya hai iska jawab bahut tareekon se dete hain. Kisi ke liye ye ek wilderness based leadership conference hai, kisi ke liye एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, किसी के लिए एक पर्सनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है, मैं मेरे लिए एक ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी व्हिच एक्चुअली स्टार्टेड बैक इन 2013 फॉर्मली, लेकिन इनफॉर्मली ये बहुत पहले से एक ख्वाब की शक्ल में, बहुत सारे लोगों के एक मुश्तरक ख्वाब की शक्ल में ये मौजूद था। और कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो बहुत सारी खूबियां, बहुत सारी खूबसूरतियां अता की है, उसमें से जो एक यूनिकनेस है वो मार्कफोर है। मार्कफोर इज द सिंबल ऑफ एलिगेंस एंड ग्रेस, मार्कफोर इज द सिंबल ऑफ प्राइड, एंड मार्कफोर इज द सिंबल ऑफ रेजिलियंस फॉर दिस नेशन।
एक ऐसा जानवर जो ना सिर्फ हमारा नेशनल एनिमल है बल्कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो एज अ नेशन बहसियत कौम मुझे और हर नौजवान और हर पाकिस्तानी को सीखने की और अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है, जिसके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड होना, जिसके अंदर रिजिलियंस होना, एडेप्टेबिलिटी होना, रिसोर्सफुल होना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होना, मुश्किल हालात का मुकाबला पैदा करना, चैलेंजेस का मुकाबला करना और इस सारी सिचुएशन के अंदर एक अपनी जो सर है वो फख्र से बुलंद रखना, दैट इज मार्कोर। और इस सारे कॉन्सेप्ट को जब यूथ इम्पैक्ट की टीम ने डिजाइन किया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सो वी कॉल इट पाकिस्तान्स प्रीमियम विल्डरनेस बेस्ड यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। सो 5 दिन या 1 हफ्ते का ऐसा एक्सपीरियंस कि जिसमें आप अपनी रेगुलर लाइफ से डिसकनेक्ट होके, आप अपने डिजिटल मीडियम से डिसकनेक्ट होके, आप अपनी फैमिली लाइफ से डिसकनेक्ट होके एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जो नेचर की दुनिया है, जो असल में रियल दुनिया है जिससे हम डिसकनेक्ट हो चुके हैं। और उस दुनिया के अंदर आपको ऐसे मुखलिस दोस्त मिलते हैं, आपको ऐसे मेंटर्स मिलते हैं, आपको आपके सोलमेट्स जो कि आपके साथ आपके इस मिशन को लेके चलना चाहते हैं वो लोग आपके साथ वहाँ खड़े होते हैं और फिर आप मिलके ऐसी कमिटमेंट्स करते हैं अपने साथ कि हम वो ये सफ़र, ये काफिला चलता देख रहे हैं 7 सालों से 539 नौजवान जो इस सफर में से गुजर चुके एंड दे आर क्रिएटिंग वंडर्स इन द वर्ल्ड। सो ये वो मुख्तसर बैकग्राउंड है जिसकी वजह से मैं और मेरी बाकी सारी टीम वी आर एक्सट्रीमली मोटिवेटेड अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट एंड स्पिरिट ऑफ मार्कोर। जी वनीजा जी, थैंक यू सो मच फॉर डिस्क्राइबिंग द होल थिंग। तो इसका मैं आपसे पूछना चाहूँ कि लोग बहुत क्यूरियस है अभी कि इस साल का जो मार्कोर है वो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप मुझे बताएं कि क्या आप कंडक्ट कर रही हैं इस साल का मार्कोर या नहीं हो रहा। अच्छा, थैंक यू वनीजा। इसमें ये चीज़ है कि हम लोगों से भी बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है और जब हम लोग लगे पंडा तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि मार्कोर होना है, कि जो भी चीज़ हो जाएगी हमारी जो लर्निंग है अडेप्टेबिलिटी की वो हम लोगों ने की और हम लोगों ने मार्कोर डिज़ाइन किया। तो इंशाल्लाह ताला हर साल की तरह इस साल भी मार्कोर होगा और जैसे समद भाई ने कहा कि हम लोगों ने इसको थोड़ा रीडिज़ाइन किया है, तो इंशाल्लाह ताला वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करेंगे। बस बिल्कुल। तो समद भाई मुझे आप बताएं कि वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू हैव मार्कोर दिस ईयर, इसको हमने रीडिज़ाइन क्यों किया, हम लोग क्यों कर रहे हैं इस साल, इससे क्या इतनी नीड है कि हम करवा रहे हैं इस साल भी। दो सवाल हैं आपके कि एक तो ये है कि इस साल मार्कोर की ज़रूरत क्यों है और दूसरा सवाल आप उनसे पूछ रही हैं कि मार्कोर को रीडिज़ाइन क्यों किया गया है। बिकॉज हो सकता है हमारे बहुत सारे ऑडियंस अभी इस बात को ना जानते हो कि मार्कोर को रीडिज़ाइन किया गया। सो पहले सवाल पे मैं बात करूं कि मार्कोर की ज़रूरत क्यों है। एज अ नेशन में अगर बात करूँ तो जो आपका तरबियती सिस्टम है, आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो आप एक इंसान की, एक नौजवान की तरबियत करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आपका फैमिली है। आपका फैमिली इज दैट इंस्टीट्यूशन विच ट्रेन्स यू फॉर लाइफ, जो आपके अंदर लाइफ स्किल्स पैदा करता है। दूसरा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन आपका एजुकेशनल सिस्टम है और तीसरा इंस्टीट्यूशन आपकी सोसाइटी है, जिसके अंदर आपका मीडिया भी आता है, आपके पॉलिटिशियंस भी आते हैं, आपके बाकी तमाम कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोसाइटी आते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वनीजा हम ये देख रहे हैं और यही वो रीज़न था जिस वजह से यूथ इम्पैक्ट भी बनी और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मार्कोर की भी ज़रूरत है कि अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि ये तीनों इंस्टीट्यूशंस कलैप्स कर चुके हैं। दैट्स द अलार्मिंग थिंग फॉर दिस सोसाइटी कि पेरेंटिंग एज एन इंस्टीट्यूशन अपना काम नहीं कर रहा, अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन कमर्शलाइज और उसके ऑब्जेक्टिव और पर्पज बिल्कुल चेंज हो चुका है। और फिर एज अ सोसाइटी इन जनरल भी मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हम अपनी वैल्यूज और हम अपनी अकदार को खो चुके हैं। सो ये जो नौजवान है जो कि इतनी बड़ी तादाद में इस मुल्क के अंदर मौजूद है, 12 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये नौजवान बगैर किसी तरबियत, बगैर किसी तैयारी, बगैर किसी ट्रेनिंग के जब लाइफ के लिए आगे बढ़ेंगे तो वह किस तरह के इंसान बनेंगे। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की लीडरशिप हमें किसी भी फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट हो, एकेडमिक फ्रंट हो, एजुकेशनल या इकोनॉमिक फ्रंट हो, या मीडिया के अंदर आप लीडरशिप देखें, तो जिस तरह की लीडरशिप हमें नज़र आ रही है इस मुल्क के अंदर, हम उससे मुतमइन नहीं हैं। हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ लीडरशिप, हमारे बेंचमार्क्स आर वेरी हाई। वी यूज्ड टू हैव
very strong character-based, moral-based, ethical leaders in our history. So that is the whole objective ke hame Maakhur jaise platforms ko istemal karte hue hame dobara se apni wo glorious history ko revive karna hai aur aise character-based, ethical, young social leaders taiyar karne hain ki jo apni zaat se balatar hoke is mulk ke liye, in logon ke liye, is maashre ke liye sochna shuru karein. Aur aaj 21vi sadi mein shayad isse zyada zarurat isse pehle kabhi nahi thi is mulk ko, is duniya ko ki aise leaders taiyar kiye jaye. And that's my response to your first question, that why we need Maakhur. And why we need Maakhur this year? Because as a humanity, the entire world has gone through this disastrous change management process. Actually, abhi to hum sirf uske effects face kar rahe hain. Abhi to uske baad change management ka process start hona hai. Abhi wo revival ki taraf humne jana hai, jo pandemic ki taraf main refer kar raha hun. So ye jo uncertainty, complexity, ambiguity paida hui hai is duniya ke andar, jiske liye hum koi taiyar nahi the, na hamari governments prepared thi, na hamara टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था, ना हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स तैयार थे, ना किसी भी हवाले से हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस तैयार थे इतने बड़े चैलेंज को फेस करने के लिए. तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज द राइट टाइम वेयर वी इंगेज यंग पीपल, हाई पोटेंशियल यूथ, टू ट्रेन देम टू गियर अप फॉर द फ्यूचर अहेड, विच इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, फुल ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी. सो यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि Maakhur को करना जरूरी है. और उसके डिजाइन को रीडिजाइन इसलिए किया गया कि जो आपके सामने ऑन ग्राउंड डायनामिक्स हैं, जैसे हम हर साल सितंबर अक्टूबर के अंदर पिछले 7 सालों से Maakhur करते चले आ रहे थे कि 5 दिन का कैंप जो कि हिमालयस के अंदर होता था. सो वी डिसाइडेड कि हम इस दफा इस टाइम को इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग एक चैलेंज है, जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी एक मेजर कंसर्न है, तो हम इन सेफ्टी प्रिकॉशंस के बगैर हम ये कैंप नहीं कर सकते. सो नंबर वन, वी नीड सम मोर टाइम जिससे हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और ज्यादा रिफाइन हो सके एज अ नेशन. नंबर टू, हम ऐसे फिल्टर्स अप्लाई कर सकें कि ऐसे नौजवान इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने जो ऑलरेडी अपनी कमिटमेंट और अपना ग्रिट हमें शो कर चुके हों. तो ऐसे हाई क्वालिटी फिल्टर नौजवान इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस साल पार्टिसिपेट करें, जो फिर इस लीडरशिप के जर्नी को इससे आगे लेके चलें. वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच. तो इफ्रा, आपकी जो टीम है उसका इस सारी डिजाइन और इस सिचुएशन के अंदर क्या उनका मोरल है इस वक्त? आपकी अपनी मोटिवेशन और आपकी टीम की क्या मोटिवेशन है कि आप लोग इस तरह के एक डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर भी आप लोग काम कर रहे हैं, और आप लोगों ने एक रिजॉल्व अपने साथ किया है कि हम लोगों ने इस दफा करवाना है और जैसे भी सिचुएशन हो स्टिल हम लोग अपना पूरा बेस्ट देंगे. तो व्हाट इज योर मोटिवेशन, व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ योर टीम दैट यू गाइस आर पुटिंग? अच्छा, अगर हम लोग स्टार्ट की बात करें तो इस साल चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी और हम लोग जो चीज़ें प्लान कर रहे थे तो अकॉर्डिंग टू प्लान था सब कुछ, पर अल्लाह ताला के लिए कुछ बेहतर प्लान्स थे हमारे लिए इस साल के लिए. तो अगर हम लोग अपनी और अपनी टीम के माइंडसेट की बात करूँ तो हम लोगों की जो स्टार्ट से माइंडसेट था वो ये था कि वी वॉन्ट टू पे बैक यूथ इम्पैक्ट, वी वॉन्टेड टू वर्क फॉर द यूथ डेवलपमेंट, we wanted to do something for the society, or we wanted to help youth to become the part of youth impact and experience what we did. So we realized ki ye jo time hai hamare liye ye ek best opportunity hai to practice what we always wanted to do. So alhamdulillah I have a very supportive or motivated team, aur abhi bhi main agar comments mein dekhu to wo wahan yahan pe bhi mujhe support kar rahe hain. To hum logo ne Maakhur aur is ग्लोबल पेंडेमिक को एज अ चैलेंज लिया और हम लोगों ने उस पर काम करना स्टार्ट किया, और हम लोगों का जो माइंडसेट था वो यही था कि हम लोगों ने Maakhur करवाना है, बस किस तरह से करवाना है तो हम लोगों ने द बेस्ट अडैप्टेबल फ्रेमवर्क डिसाइड करना है. सो विद द हेल्प ऑफ माय टीम, विद द हेल्प ऑफ यूथ इंपैक्ट एलुमनाई, वी फॉर्मुलेटेड अ फ्रेमवर्क, और इंशाल्लाह ताला मी एंड माय टीम आर वेरी होपफुल कि दिस ईयर्स Maakhur विल मोर इम्पैक्टफुल. हम लोग लाइक स्टार्ट से बोल रहे होते हैं कि दिस ईयर Maakhur विल बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट लाइक हर कोई अपना बेस्ट दे रहा होता है, पर लाइक आई एम श्योर कि इस साल का Maakhur अगर डिफरेंट होगा तो इट विल बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट Maakhur इंशाल्लाह. एंड वेरी गुड लक टू यू एंड मी एंड द होल टीम एज़ वेल. अच्छा, इफ्रा, व्हाट इज द डिजाइन ऑफ दिस
ईयर्स मार्क हो, हम बार बार बात करें कि ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन हम लोग ये जो मार्को का डिजाइन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. तो हमें थोड़ा डिजाइन के बारे में बताएं कि व्हाट एक्चुअली इज द डिजाइन ऑफ मार्को दिस ईयर. ओके, सो व्हाट वी एज वन के हम लोगों ने मार्को को दो फेजेस में डिवाइड किया है. जो फेज वन है हमारा वो है वर्चुअल ट्रेनिंग. उसमें हम लोग वर्चुअल ट्रेनिंग देंगे पार्टिसिपेंट्स को ऑन हाउ टू प्लान एंड एग्जीक्यूट द सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स. हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो पार्टिसिपेंट दे रहे होंगे और डिफरेंट एरियाज लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग ऑन लाइक उनको डिफरेंट स्किल्स सिखा रहे होंगे, टीम बिल्डिंग लाइक फाइनेंशियली उस चीज़ों को किस तरह से देखना है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त की चीज़ है, जो इस वक्त की रिक्वायरमेंट है कि इस सारे ग्लोबल पेंडेमिक में सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट किस तरह से देखनी है. तो इस चीज़ पर हम लोग लाइक जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो पार्टिसिपेंट्स को जो है वो ट्रेन कर रहे होंगे. और जब आफ्टर फेज वन हम लोगों का लाइक पता है सबके जो मार्कोर इज अ विल्डरनेस बेस्ड कैंप, तो जो फेज वन है हमारा वो वर्चुअल ट्रेनिंग है और जो फेज टू है हमारा वो है विल्डरनेस बेस्ड कैंप. तो उसमें हम लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम लोग जब उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी जो कि एक्सपेक्टेड है एक मंथ की, फिर उसके बाद हम लोग उनको ऑन कैंप लेके जाएंगे. और वहाँ पर जैसे ट्रेडिशनल मार्कोर हमारा होता है कैंपिंग वगैरह सब कुछ होगा. वी विल रिव्यू द प्रोजेक्ट्स दे डिड. हम लोग जो लाइक ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट्स करेंगे, हम लोगों को शायद जो सोसाइटी के डिफरेंट इश्यूज हैं जो अभी शायद हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स में वो हाईलाइट होंगे. तो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द विल्डरनेस कैंप. और ये अब तक का जो है वो रीडिजाइन और अपडेटेड फ्रेमवर्क है हमारा. ठीक है, इसका जो फेज वन है उसका मॉड्यूल थोड़े से और डिस्कस कर सकेंगे. फेज वन के अंदर हम मेनली किन किन एरियाज को कवर कर रहे होंगे. बेसिकली हम लोग जो फोकस हमारा वो है सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स पे, कि हम लोगों को लाइक एवरीवन वांट्स टू डू समथिंग पर उनको नहीं पता कि उनको इनिशिएट कहाँ से करना है. तो हम लोगों का प्लान ये है कि डिफरेंट सोसाइटीज हैं, उन डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ट्रेन कर रहे होंगे कि आप लोग प्रॉब्लम्स को किस तरह से हाईलाइट कर सकते हो, उनको किस तरह आपने प्लान करना है, उनके सॉल्यूशंस पर आप किस तरह से जाओगे. तो बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई प्रोसेस एंड प्रपोज द सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, थैंक यू सो मच. तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं तो कीप ऑन राइटिंग योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, क्योंकि हम वो क्वेश्चंस भी साथ साथ एग्री कर रहे होंगे अगर कोई क्वेश्चन आता है. और By the end of this conversation, हम लोग वो जो भी questions होंगे आपके वो हम पढ़ रहे होंगे. So keep writing your questions in the comment section. अच्छा इसका अभी हमारा Marco 24 कब रहा है? What are the dates for Marco 20? Sessions for Marco 20 are open. As जो virtual training है वो expected है in the end of September. और जो विल्डरनेस कैंप है उसकी डेट अभी डिसाइडेड नहीं है. इट विल बी डिस्क्लोज्ड सून डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्योंकि अभी जो करंट पेंडेमिक चल रहा है उसमें काफी चीजें भी डिसाइडेड नहीं है. ठीक है, ओके. सो समझ भाई, ये जो अभी अपना ने सारा डिजाइन बताया है कि इस तरह से ये फेज वन है हमारे पास, ये फेज टू होगा, तो आप थोड़ा ये एक्सप्लेन करें कि ये डिजाइन जो है ये किस तरह से दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता है, किस तरह से हम सोसाइटी को इस सारी प्रोसीजर को फॉलो करके किस तरह से हम सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं, और पार्टिसिपेंट्स को क्यों मार्को 20 ज्वाइन करना चाहिए. ग्रेट, अगेन यू आर आस्किंग मी टू क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन नीड्स अ लॉट ऑफ डिटेल्स. सो आप फिर कहेंगे कि आपने ज्यादा टाइम ले लिया, तो मैं कोशिश करता हूँ. इफ्रा ने जो बात की इसके लिए एक बहुत फेमस कोट है, वो कहते हैं कि व्हेन लाइफ ऑफर्स यू लेमन मेक अ लेमनेड आउट ऑफ इट. सो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड, यू नो, जब ये पैंडेमिक की सिचुएशन बनी और हमारे लिए बिल्कुल एक अनसर्टेन सिचुएशन थी, हमें नहीं पता था कि ये किस तरफ जाना है और इसका आउटकम क्या निकलना है. तो दो तीन चीजें तय कर ली टीम ने, और एब्सोल्युटली आई मीन द क्रेडिट गोज टू दिस गर्ल सिटिंग ऑन माय लेफ्ट इफ्रा,
जिसने कहा कि आई एम गोइंग टू टेक अप दिस चैलेंज विद माय टीम कि हमने ये मारखोट करना है इंशाल्लाह, मतलब जमीन पे कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती मारखोट करने से। और उस पर जब रीथिंकिंग करना शुरू की और थोड़ा सा जूम आउट किया इस सारी सिचुएशन को, तो हमने देखा कि मारखोर क्यों होता है, मारखोर की यूनिकनेस क्या है। मारखोर इसलिए होता है कि ये नौजवानों की सोशल लीडरशिप स्किल्स, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग, रिजिलियंस डेवलपमेंट, इसके ऊपर उनको तैयार करता है। और ये नौजवान फिर हम देखते हैं कि पूरे माशरे में जाके अपना काम करते हैं। सो नंबर वन, ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव किया जा सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे नौजवान जो ये कन्वर्सेशन देख रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि इस सारी कन्वर्सेशन को बेस बनाएं आप अपनी जिंदगी में आने वाली जो आपकी एकेडेमिक अनसर्टेनिटीज हैं, आपकी प्रोफेशनल अनसर्टेनिटीज हैं, आपकी सोशल लाइफ के जो चैलेंजेस इस वक्त आ रहे हैं। सो दिस फ्रेमवर्क इज एन आइडियल एग्जाम्पल कि किस तरह से आप इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेके रीथिंक करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है आपका, वो आपका आपकी बेसिस है, आपकी बुनियाद है, आपकी फाउंडेशन है। सो यू गो बैक टू बेसिक्स दैट वाई यू आर डूइंग दिस। सो वी आस्क आवरसेल्फ कि यूथ इम्पैक्ट क्यों बनी थी, मारखोर पहले दिन क्यों डिजाइन किया गया था, इसका पर्पस क्या था। तो जब आप पर्पस को सामने रखते हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी कि स्टेप बैक, look at the bigger picture and you will be seeing more opportunities. So yahi is team ne kiya. Ab is pehle kya hota tha Markhor mein ki jaise Ifra ne bataya ki pehle aap Markhor pe aate the aur aapka physical contact youth impact ke sath Markhor ke day 1 pe hota tha, jab aapko aapke RV point pe hamari buses pick karti thi, wahan se aap pehli dafa Markhor aur youth impact ke sath physically connect hote the aur 5 din ka ek roller coaster journey tha jisme aap अपनी पूरी जिंदगी को एक दफा रिव्यू करने का मौका मिलता था। और उसके बाद डे 5 यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू आर अ चेंज पर्सन। और फिर आप वापस जाके सोसाइटी में 3 महीने 4 महीने का एक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट, एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट करते थे जिससे आप सर्टिफाइड यंग सोशल लीडर बनते थे। सो दैट यूज टू बी आवर फॉर्मेट इन लास्ट फ्यू ईयर्स। तो इस दफा इसको रिवर्स कर दिया गया और ये इफ्रा और इनकी टीम का डिजाइन था कि हम क्योंकि ये पैंडेमिक की सिचुएशन है तो वी कैन नॉट हैव अ फिजिकल कैंप। सो उसको रिवर्स करके जो सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो पहले होंगे और उसके बाद एक एक्चुअल फिजिकल कैंप होगा। तो अब इसमें जो आपका सवाल था कि इन लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, तो पहली फेज में अगर मैं बात करूँ तो जब आप एक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट, बिकॉज हमने बहुत सारे नौजवानों के साथ यूथ इम्पैक्ट में काम किया, हमने देखा कि आपकी जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं उसमें एग्जैक्टली शुरू कहाँ से करना है और उसको कंक्लूड कहाँ पे करना है, वो जो आपका विजन है, आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके गोल्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, और उसकी बेस पे आपका वर्क प्लान है, उसकी बेस पे आपकी टीम्स हैं, उसकी बेस पे आपके फाइनेंशियल्स हैं, तो वो जो तमाम कॉम्पोनेंट्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक राइट सीक्वेंस में। सो ये नंबर वन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी नौजवानों के लिए जो ऑप्ट करते हैं मारखोर अटेंड करने के लिए। सो दे विल बी गोइंग थ्रू एन इंटेंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोसेस, नंबर वन। नंबर टू, इस प्रोसेस के लिए तो आप बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं, लेकिन एक जो खूबसूरती इस सारी फेज में होगी वो आपकी कंटिन्यूस मेंटोरिंग हो रही होगी। जो हमारे शेफर्ड्स हैं, हमारे फैसिलिटेटर्स हैं, हमारी टीम है, वो वहाँ पे मौजूद है आपके साथ, आपकी मेंटोरिंग भी कर रही है। और तीसरा एडवांटेज आपको ये होगा कि आपकी कंटिन्यूस रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी भी हो रही है। सो इट्स नॉट दैट कि आप अपनी मर्जी या सेल्फ पेस्ड लर्निंग पे नहीं चल रहे, इट हैज टू बी अ कलेक्टिव लर्निंग प्रोसेस जिसमें आपने सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सर्टेन रिपोर्टिंग पैराडाइम्स और पैरामीटर्स को लेके चलना है। सो दिस इंटायर जर्नी हेल्प्स यू बिकम अ बेटर प्रोजेक्ट मैनेजर। दूसरा इसका बहुत बड़ा सोशल बेनिफिट है वो ये है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे किसी सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर, वो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, राइट्स की कोई मूवमेंट हो, वो हेल्थ से रिलेटेड हो, वो किसी भी तरह का कोई सोशल इशू जिसके थीम्स आई थिंक आई एम श्योर इफ्रा आपको बताएंगी, तो आप उसके ऊपर काम करके यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स सोसाइटी। सो ये वो बेनिफिट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि ये आपका फेज वन आपको दे रहा होगा। फेज टू के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो आपका फिजिकल कैंप होगा, और जो मुझे समझ आया इस प्रोसेस में से कि बहुत सारे लोग फेज वन के लिए अप्लाई करेंगे और ऑप्ट करेंगे, और उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिल्टर होंगे फेज टू के लिए, राइट? ऐसा ही है फ्रॉम?
इसी तरह से है जो लाइक जो फेज वन अटेंड करना जरूरी है टू बिकम अ पार्ट ऑफ फेज टू, और इसमें जैसे आपने बोला कि हम लोग साथ साथ जो है वो उनकी इवैल्यूएशन कर रहे होंगे, और जहाँ पर लाइक हम लोग को लगेगा कि जो हमारा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है फेज टू का वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो वी हैव द राइट कि हम लोग उस पार्टिसिपेंट को डिस्क्वालीफाई कर दें. एग्जैक्टली. सो टू मेक इट क्लियर, फेज वन के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्रीम इंडक्ट होगी और ऐसे नौजवान आएंगे जो कि सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स करेंगे भी, उसकी ट्रेनिंग भी लेंगे, और उसमें से गुजर के those who are the best of the best of the best, they will qualify to attend the phase 2, which is a wilderness camp. So, ye do phases hain jo is dafa design ki gayi hain. Aur ji Vaniza ji ji, ye isra ye ek question hai. Vikas pooch rahe hain ki which skills we could develop and gain from Markor and in which situations we can use them. Isme jaise bhi Samant bhai ne bataya hai ki hum log project management mein kaam kar rahe honge, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो स्किल है जो हम लोग मार्कोर पर भी सीख रहे होते हैं, लीडरशिप, वो स्किल आपको यहाँ से मिलेगा. और जो है साथ साथ टीम बिल्डिंग, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस साल का, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो चीज आपको हेल्प करेगी. जी बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच. तो ये एक और क्वेश्चन है समद भाई आपके लिए. As sir said that only motivated people will be able to attend the conference in wilderness because there will be a filter. What does that mean? Okay, phase 1 or phase 2, ye do different phases hain. Phase 1 is the social action project jiske andar aapne community ke liye kuch kaam karna hai, aur phase 2 mein aap wilderness camp attend karenge. So ab sab ke sab log, let's say 500 log apply karte hain phase 1 ke liye, और उनमें से लेट्स से 50 या 100 लोग फेज टू के लिए जाते हैं. तो वी कांट होल्ड अ कैंप फॉर 500 पीपल, विच मींस वी हैव टू अप्लाई सम फिल्टर्स. और वो फिल्टर्स, जैसे मैंने कहा कि हाईली मोटिवेटेड, वो सिर्फ मोटिवेटेड इस तरह से नहीं होगा कि आप बहुत जबरदस्त नारे लगाएंगे या बहुत एनर्जी शो करेंगे. वो मोटिवेशन आपकी नजर आएगी आपके सोशल एक्शन प्रोजेक्ट की क्वालिटी ऑफ डिलीवरी के अंदर, कि आपने किस तरह से एक प्रोजेक्ट को डिजाइन किया और कितने लोगों को फायदा पहुंचाया, किस तरह से फायदा पहुंचाया, कितना इनोवेटिव आपका और यूनिक प्रोजेक्ट था. ये वो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आपके प्रोजेक्ट की डायमेंशंस को असेस किया जाएगा. और उसमें अगेन जो वैरायटी ऑफ थीमेटिक एरियाज हैं, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ कि एक थीमेटिक एरिया है हेल्थ का, एक एजुकेशन का, एक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का, और एक जो है लेट्स से SDGs के ऊपर आप कुछ काम करना चाहते हैं, अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं, एक पीस बिल्डिंग का, पांच थीमेटिक एरियाज लेट्स से. तो हमारी कोशिश ये होगी फिल्टर अप्लाई करते वक्त टीम की, कि हम एक डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों को लेके आए, जिसका मतलब ये है कि पीस बिल्डिंग के थीमेटिक एरिया से भी कुछ टॉप प्रोजेक्ट्स करने वाले बच्चे इसमें जाएंगे, हेल्थ के कुछ टॉप प्रोजेक्ट्स इसमें जा रहे होंगे, एजुकेशन के कुछ टॉप प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट फेज में जा रहे होंगे. सो उस डाइवर्सिटी को भी हम देख रहे होंगे, लेकिन उस डाइवर्सिटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आपका क्वालिटी ऑफ योर सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स. और उस क्वालिटी की डायमेंशंस बहुत हैं कि आपका आउटरीच कितनी है, आपका इंपैक्ट नंबर क्या है, आपका आउटकम क्या है उस प्रोजेक्ट का, आपका उस प्रोजेक्ट की यूनिकनेस क्या है. सो ये वो फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे हम मोटिवेटेड लोगों को फिल्टर कर रहे होंगे. जी वनीसा जी, इफ्रा ये जो हमारा पूरा मार्कोर का फेज वन और फेज टू, इसकी फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगी, तो के जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो लोग जो कर रहे होंगे, व्हाट इज द फी ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस? इसमें जो फेज वन है हमारा जो कि वर्चुअल ट्रेनिंग है सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स पे, इसकी फीस जो है वो 10,000 रुपीज है, और विल्डरनेस कैंप की जो फीस है वो 20,000 है. तो ओवरऑल जो मार्कोर की फीस है वो 30,000 रुपीज है. और आई टोटली अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज लाइक फीस जनरेट करना, फंड जनरेट करना मुश्किल है. तो जो सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारे, जब हम लोग उनको उनका कंफर्मेशन लेटर्स भेजते हैं, तो उसके साथ हम लोग उनको एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं स्पॉन्सरशिप गाइड का. तो उसमें वो डिटेल्स मेंशन होती हैं कि किस तरह से वो अपनी फीस के लिए जो फंड्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं, और जो हमारी टीम होती है वो उनके साथ कॉन्टिन्यूस उसमें कनेक्शन में होती है, कॉन्टैक्ट में, और वो उनको साथ साथ जो है वो गाइड कर रही होती है. तो आई थिंक अगर आप मोटिवेटेड हो और अगर आपको लगता है कि आप इस लाइक मार्कोर का पार्ट बन सकते हो, तो कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती. और लाइक हम लोगों के पास पास्ट में बहुत एग्जांपल्स हैं
कि बहुत डाइवर्सिटी से हम लोगों के पास, डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आ रहे होते हैं और लोगों की बहुत डिफरेंट स्टोरीज होती हैं कि उन्होंने किस तरह से फंड्स जो हैं वो जनरेट किए होते हैं. तो इस जो फीस है इस पर परेशान नहीं होना किसी ने. इंशाल्लाह. और इसमें इसमें ये भी मैं ऐड करना चाहूंगी, तो जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास पहले की, बहुत ज्यादा इस तरह के डेलीगेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं जो हमें इवन इंस्पायर करते हैं कि वो, उनके पास इतना पैशन होता है, वो मार्को स्पिरिट होती है, उसके थ्रू वो किसी भी तरह से फंड रेजिंग करते हैं या जिस तरह से भी, इवन हम बहुत इंस्पायर होते हैं थ्रू विच दे कम टू द कॉन्फ्रेंस. तो समझ में आपके लिए क्वेश्चन है कि अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट इज पर डिस्कस्ड, जिसके थ्रू वो स्पॉन्सरशिप गाइड है और वो सब कुछ है जिसके थ्रू वो रेज कर सकते हैं, इसके अलावा क्या हमारे पास स्पॉन्सरशिप हैं जो हम लोग पार्टिसिपेंट्स को दे रहे होंगे? वनीसा, ये जो पार्ट है ना फाइनेंशियल्स वाला, ये हमारे लिए एक सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है इस पूरी कॉन्फ्रेंस का. और एक चीज मैं बताता चलूं कि एज यूथ इम्पैक्ट वी आर नॉट देयर टू असेस द फाइनेंशियल मसल ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज वी से दैट वी प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द पार्टिसिपेंट डिस्पाइट ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक क्लासेस. लाइक हमारे पास अगर आपकी जो सोशो इकोनॉमिक क्लासेस हैं जिसमें एलीट्स हैं, आपकी अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल है, लोअर मिडिल है, पुअर, ये तमाम क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन होती है हर मारखोर के अंदर. जिसका मतलब ये है कि वो नौजवान जो एक बॉटम ऑफ द पिरामिड से बिलोंग करता है, वो भी मारखोर अटेंड कर रहा है और वो भी उसी कैंप में, उसी प्रोग्राम में, उसी सिचुएशन के अंदर उसमें से गुजर रहा है जिसमें आपका एक टॉप पिरामिड ऑफ टॉप ऑफ पिरामिड का एक नौजवान. सो अब ये कैसे मुमकिन है? बिकॉज हर लर्निंग अपॉर्चुनिटी की एक कॉस्ट है और इसी तरह से मारखोर की एक कॉस्ट है जो कि बहुत बड़ी कॉस्ट है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी मेक एन एफर्ट कि हम अपने कॉर्पोरेट पार्टनर्स एंड स्पॉन्सर्स को लाते हैं ऑन बोर्ड जो कि सपोर्ट करते हैं या सब्सिडाइज कर देते हैं मारखोर की कॉस्ट को पार्टिसिपेंट्स के लिए. सो इसका मतलब ये है कि अगर मारखोर की कॉस्ट जो है ना वो जैसे 100 रुपीज़ है, तो 50, 60, 70 रुपीज़ हमारा कॉर्पोरेट स्पॉन्सर बेयर करता है, 20, 30, 40 रुपीज़ वो पार्टिसिपेंट पे करता है. अब अगला सवाल ये है कि वो जो एक स्टूडेंट है वो कहता है कि जी मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी पॉकेट मनी के लिए मैं अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहा हूँ. दैट्स वेयर यू नो द आर इवेल्यूशन प्रोसेस कम्स इन. इफ यू आर अ यंग पर्सन हु comes with excuses all the time and who has got 1001 reasons not being able to do something, then sorry, you are not qualified for Markhor. And that is a very bold statement. That is a challenging statement. That's our challenge to the youth of Pakistan. To make yourself qualify for Markhor, you have to demonstrate us your Markhor spirit, your ability to get out of your comfort zone, your ability and your commitment to knock every possible opportunity and showing us that Markhor is the most important thing for you at this time. If you are that person, then money is not a hindrance. It had never been a hindrance. Aap ki jeb mein agar kuch bhi nahi hai, tab bhi aap Markhor ka hissa ban sakte hain. That is my commitment. So show us your motivation and your Markhor spirit. So is context ke andar Markhor ki jo कैंप है, उस कैंप के अंदर कुछ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती हैं और वो अवार्ड उस वक्त की फाइनेंशियल सिचुएशन, स्पॉन्सर्स और उसको सामने रखते हुए किया जाता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दोज यंगस्टर्स हु एस्पायर टू बिकम यंग सोशल लीडर, क्या पैसों की वजह से परेशान हो के पीछे मत हट जाएं. यस, चैलेंज है और ये पैसे चाहिए होंगे और आपसे पैसे लिए जाएंगे और आप ये पैसे ले भी आएंगे जिसका अभी आपको अंदाजा नहीं, आपको यकीन भी नहीं कि कहाँ से आएंगे. सो डू अप्लाई फॉर इट. यस, टॉप कॉन्टेस्टेंट्स जो फेज वन के जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनके लिए फिर यूथ इम्पैक्ट फुल स्कॉलरशिप से लेके हाफ एंड 25% तक भी दे सकते हैं. मैं सिर्फ एक और स्टेटिस्टिक्स देता चलूँ वनीसा, कि पिछले 7 सालों में हमारे पास जो 539 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, उन 539 में से मैक्सिमम 5 पार्टिसिपेंट ऐसे थे जिन्होंने फुल फी पे की है.
जिसका मतलब है 534 पार्टिसिपेंट्स दे गॉट अ स्कॉलरशिप, और हमारे कॉर्पोरेट स्पॉन्सर जिनका मैं हमेशा बहुत ज्यादा मशहूर हूँ कि जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इस मिशन को समझा और हमारे साथ खड़े हुए, और अब तक तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप हम ऑफर कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्सर्स. आई एम नॉट कमिटिंग, आई एम नॉट सेइंग कि इस साल भी वो स्पॉन्सर मौजूद होंगे, बिकॉज इट्स अनसर्टेनिटी, इट्स चेंजिंग एनवायरमेंट, हमें नहीं पता कि वो वहाँ हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हमें ये पता है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमने मारफोर करना है और पाकिस्तान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट नौजवानों के लिए करना है, हम मिलकर इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे. जी अच्छा, इसका ये क्वेश्चन है आपके लिए, व्हेन द फाइनल लिस्ट विल बी अनाउंस्ड. अच्छा, इसमें ये होता है हमारे लाइक हम लोग को एप्लीकेशन आती हैं, हम लोग जो हमारी सिलेक्शन टीम है वो उनको साथ साथ एवेलुएट करके हम लोग सिलेक्शन ईमेल्स भेज रहे होते हैं. तो अभी जो रीडिज़ाइन हुआ है हमारा मार्कोर, इसकी वजह से जो हमारी सिलेक्शन ईमेल्स थी वो होल्ड पर थी. इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीक से जो है वो सिलेक्शन ईमेल्स भेजना जो है वो स्टार्ट कर देंगे, और बाय द एंड ऑफ अगस्त हमारे पास जो है वो फाइनल लिस्ट होगी पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, थैंक यू. समझ भाई, आपके लिए क्वेश्चन है कि एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंक्लूड स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट टू, सो विल वी बी गाइडेड अबाउट स्ट्रगल फॉर स्पॉन्सरशिप अदर देन द डॉक्यूमेंट और गाइड सेंट इन ईमेल्स. Occasionally, I mean, generally we rely on this system because ये बहुत बड़े स्केल पे एफर्ट हो रही होती है और सैकड़ों नौजवान इस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं. सो यूथ एम्पायर के लिए पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि हम उन चंद सौ या चंद हजार नौजवानों में से हर एक को इंडिविजुअल गाइड कर सकें या उनकी मेंटोरिंग कर सकें. यस, व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंपाइल एफएक्यूज, वी कैन कंडक्ट अ सिमिलर वेबिनार आफ्टर सम टाइम जहां पे हम सिर्फ फोकस करें स्पॉन्सरशिप के ऊपर. तो इस तरह से तो कलेक्टिवली हम आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल सतह पे आई डोंट थिंक. वनीजा और इफ्रा, अगर आपका कोई इस पे ओपिनियन है तो जरूर बताइए. Otherwise, that document is self-explanatory, it's very rich document, and it's based on the experiences of previous alumni and our team for last 7 years. Aur wo aapko document itna comprehensive hai ki agar aap usko, uske steps ko follow karna shuru kare to it's guaranteed ki aap pahunch jayenge us victory stand, inshallah. मेरे ख्याल से वनीजा यहाँ पे कंफ्यूजन है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हम लोग बात कर रहे थे वो हम लोग ट्रेनिंग की बात कर रहे थे कि जो कि हमारी वर्चुअल ट्रेनिंग होगी उसमें हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग दे रहे होंगे. और जो स्पॉन्सरशिप गाइड की मैंने बात की थी वो था कि जो हमारे सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनकी सिलेक्शन होगी फॉर मार्कोर, उनको हम लोग जो है वो डॉक्यूमेंट भेज रहे होंगे कि आप किस तरह से जो है अपनी फीस जनरेट कर सकते हैं. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच. जी इफ्रा, आपके लिए क्वेश्चन है कि वेयर विल मार्कोर 2020 टेक प्लेस, कहाँ किस तरह से होगा, फेज वन किस प्लेटफॉर्म पे होगा, कहाँ होगा, और जो फेज टू है वो कहाँ हो रहा होगा. अच्छा, जो फेज वन है वो तो वर्चुअली ऑनलाइन ही हम लोग प्लेटफॉर्म पे होगा, और वो जो सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स होंगे हमारे वो उनके साथ शेयर हो जाएगा. और जो विल्डरनेस कैंप है वो उसकी जो वेन्यू है हमारा वो भी हम लोग डिस्क्लोज करेंगे. वो जो है हमारी जो लाइक करंट सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाए, फिर उसके बाद वो डिस्कस होगा. ठीक है, थैंक यू इफ्रा. अब मैं कुछ क्वेश्चंस देख रही हूँ जो लोगों ने क्वेश्चंस कुछ ऐड किए हैं. जी ये अंजलि का क्वेश्चन है, दो यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड विल अप्लाई अगेन और द सेम फॉर्म विल बी यूज्ड, इफ्रा आप बताएं. जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. जो सिलेक्शन लाइक मैंने जैसे पहले भी बताया कि एप्लीकेशन हमारे पास आ गई हुई हैं और हम लोगों ने उनको वैल्यूएट भी कर लिया हुआ है, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह जो कि 2 दिन बाद है हम लोग सिलेक्शन ईमेल भी भेजना स्टार्ट करते हैं, तो उनको अप्लाई करना भेज सकते हैं. थैंक यू. समर भाई, आपके लिए क्वेश्चन है, आई हैड बीन शॉर्टलिस्टेड लास्ट ईयर but due to several reasons couldn't attend it, are there good chances of my selection this year? Could attend it. Okay, ye chances pe main kuch nahi keh sakta because dekhe isme ek format samajh le ke as the CEO of Youth Impact I have zero powers in terms of participant selection,
And that is the whole spirit of Youth Impact designing this whole team, where the project lead and the registration team is empowered to make their own decisions. और मैं ये बारहा ये एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि इवन मेरा अपना भाई और मेरी अपनी बहन जो इसको अटेंड करना चाहें, दे हैव टू गो थ्रू दिस फिल्टर ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, एंड इफ दे कैन इंस्पायर द सिलेक्शन टीम देन दे विल बी एबल टू अटेंड. सो दैट्स अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड, दैट्स द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग कि यस, अगर आपने लास्ट ईयर अप्लाई किया और किसी वजह से आप अटेंड नहीं कर सके या आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो सके, तो यस, अगर आप बेसिक क्राइटेरिया पे क्वालिफाई करते हैं, विच इज द एज लिमिट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मिलती है, और आप उस पे क्वालिफाई करते हैं, तो एब्सोल्युटली यू कैन बी पार्ट ऑफ इट. इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक जो हमारे लास्ट ईयर होते रहे हैं मार्कोस, बेस्ड ऑन दैट ओनली 3% ऑफ पार्टिसिपेंट गेट टू अटेंड मार्को कॉन्फ्रेंस. तो ये है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, अप्लाई करते हैं, और उसमें से बहुत कम लोग हैं जिनकी सिलेक्शन होती है, वो इस अपॉर्चुनिटी के अवेल करते हैं. बट ये है कि इंशाल्लाह यू हैव दैट रिजॉल्व कि आप आना चाहती हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अप्लाई करें और इंशाल्लाह यू विल गेट टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस. तो इसका आपके लिए क्वेश्चन है, व्हेन द फाइनल लिस्ट विल बी अनाउंस. आई थिंक मैंने पहले भी आंसर किया है कि हम लोग एंड ऑफ द अगस्त में जो है हम लोग फाइनल लिस्ट हमारी जो है वो फाइनल हो जाएगी. कंफर्म पार्टिसिपेंट्स हैं और जो सिलेक्शन ईमेल्स हैं हम लोग को साथ साथ भेज रहे होते हैं, वो नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सिलेक्शन पे काफी क्वेश्चंस हैं, तो वो हमारे रिजॉल्व. आमना मेहर, आई डिडंट अप्लाई, कैन आई अप्लाई फॉर मार्क्स 20 नाउ? Yes, registrations are open और apply कर सकते हैं वो. What would be the venue this year? As I mentioned earlier, कि phase one का जो है वो हम लोग virtually online platforms में होगा, और जो wilderness training है उसका जो venue है वो भी disclose करेंगे अभी. ओके, जिसके जो जो क्वेश्चंस है काइंडली यहाँ पे कमेंट्स में ऐड करते जाएं, सो वी कुड एड्रेस बिफोर क्लोजिंग दिस लाइव. काफी क्वेश्चंस रिपीटिंग है, आई होप के आपके क्वेश्चंस एड्रेस हो चुके हैं. So, इसका ये क्वेश्चन है कि इन अक्टूबर मोस्ट यूनिवर्सिटीज कंडक्ट देयर एनुअल, काइंडली रिव्यू द डेट्स फॉर फेज वन. सो इज देयर एनी चांस फॉर द डेट्स टू बी रिव्यूड? अभी तक जो हमारे एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो एंड ऑफ सितंबर से लेकर एंड ऑफ अक्टूबर तक हैं. तो लाइक हर साल हम लोग देखें तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी या फिर MBBS डॉक्टर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली हम लोग वो हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी देखकर ही जो है डेट्स वगैरह हमारी फाइनल हो रही होती है. ठीक है, सो देयर इज अ क्वेश्चन, समद भाई, कैन वी ब्रिंग इन आवर ओन स्पॉन्सर? एब्सोल्युटली, आई मीन इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, बल्कि आप और भी बच्चों के लिए ला सकते हैं, तो विल बी वेरी हैप्पी टू हैव दैट. और इस तरह हुआ भी ऑलरेडी, इवन लास्ट ईयर आई रिमेम्बर के कुछ लोगों ने दूसरे भी लोगों की मदद की थी और उनके लिए भी जनरेट की थी स्पॉन्सरशिप, तो दैट इज अ गुड थिंग. एक चीज मैं यहाँ पे यंगस्टर से बात करना चाहूँ कि स्पॉन्सरशिप लाना, और ये दोनों जेंडर्स के लिए खासतौर पे मैं इसको एड्रेस करता हूँ, लड़के और लड़कियों के लिए, कि जब आप लोगों के पास जाते हैं, आप उनको जाके कहते हैं कि मैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो मुझे इतने पैसे दे दें और मैं आपकी कंपनी के लिए, आपके ब्रांड के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम करूंगी. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर ओन मॉरल वैल्यूज एंड इंटेग्रिटी. आई मीन उन 10, 15, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए के लिए never ever compromise. I mean, अगर आपको लगता है कि there is a question about your integrity
there's a question where you have to compromise on your values. I mean, आप बेशक मार्कोर ना अटेंड करें, बेशक आप उनको उनको कह दें नो जी थैंक यू वेरी मच सो आई डोंट वांट योर मनी. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू टीच यंग पीपल टू लर्न कि आपने चीजों को अपॉर्चुनिटीज को कैसे फिल्टर करना है. और प्लीज बी वेरी मच विजिलेंट स्पेशली व्हेन यू आर आस्किंग फॉर मनी. द अदर पीपल हैव देयर ओन एजेंडा. दैट एजेंडा कैन बी गुड एंड कैन बी नेगेटिव विच हैज इट्स ओन you know, negative strings attached. So be careful and be vigilant about it. That's very, very important thing to be addressed. Thank you so much. So Ifra, aapke liye question hai, what will be the timeline of phase 1 and phase 2? Yeah, address kar dete hain. Jo phase 1 hai, uski timeline end of September se lekar, like almost 1 week, sorry, 1 month ki training hai. To go from the end of September to end of October hoga. Aur jaise main bar bar mention kar rahi hu ki jo phase 2 hai uska venue aur uski timeline aur situation ke upar, to wo jaise hi situation clear hogi hum logo ko green signal milega to hum log wo thing disclose kar denge inshallah. Ahmed Riaz ka second question hai, for phase 1 online training program, would there be any online classes or webinars? If yes, what time of the day? अच्छा, इसमें भी यही है कि हम लोगों की जो सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स होंगे, हम लोग जो उनकी अवेलेबिलिटी होगी और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सारी चीज़ें प्लान हो रही होंगी. ऑब्वियसली लाइक हम लोगों को पता है कि सारे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का भी उनका स्केड्यूल है सब कुछ, तो पॉसिबिलिटी है कि जो ऑनलाइन जो लाइव सेशंस होंगे हमारे वो वीकेंड पर होंगे और जो बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उनको हम लोग जो टाइम स्लॉट अवेलेबल होगा सारों के लिए, जो कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग आफ्टर 5 PM है, तो पॉसिबिलिटी है कि वही टाइम टाइम स्लॉट होगा हमारा. ठीक है, थैंक यू. ओके, ये एक हमारे एम्बेसडर्स के थ्रू है आई गेस. As an ambassador of Youth Impact, I have been inspiring people to be a part of it. Now I feel something that their narrative are changed to go. Although they want to go, but they are stuck. What to do now? Samad bhai. Acha, Lukman, thank you very much for being volunteer with Youth Impact and for your support. Isme jo I understand ki ye situation hai aur isi situation ko hi dekhte hue aap logon ke feedback ke base pe hi इफ्रा और उनकी टीम ने इसको रीडिजाइन किया है. सो नंबर वन, आप सब लोगों को बता सकते हैं कि जो नैरेटिव्स चेंज हुए हैं उसी चेंज को रिस्पॉन्ड करते हुए हमने अपने इस डिजाइन को चेंज किया है. सो दैट्स वन थिंग. नंबर टू, वी विल नेवर होल्ड अ कैंप जब तक हमारे सेफ्टी हेल्थ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वहां पे इंटैक्ट नहीं होंगे. जब तक आपकी फैमिली सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक हम आपको कैंप्स पे नहीं ले जाएंगे, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से चीजें आए या हमारी सोशल लेवल पे कोई ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट हों जिसमें हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर होती है, जहां पे हमारे फिजिकल कॉन्टेक्ट से किसी डिजीज का या वायरस का फैलने के चांसेस नहीं होते, तो तब तक हम ये कैंप नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस फेज, जिसमें हम उस फेज के साथ साथ टाइम भी गेन कर रहे हैं और ये टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी टू असेस. एंड इसी वजह से इफ्रा ने आपको एग्जैक्टली कैंप की डेट्स नहीं बताई हैं, बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली कीपिंग अ टैब ऑन द टाइमलाइंस, द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड आवर नेशनल स्ट्रेटजी. सो उन सिचुएशन को देख के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही हम ये कैंप होल्ड करेंगे, बिकॉज हमारे लिए वो 50 या 100 नौजवान जो कैंप अटेंड करते हैं उनकी लाइफ, उनकी सेफ्टी, वो 50 या 100 नौजवान जो इस कैंप की मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, वो 200-250 लोग और वो जो 20-30 गेस्ट स्पीकर जो वहां आके कैंप करते हैं और आपसे मुखातिब होते हैं, सो ये 230 लोग वहां कैंप करके उनकी लाइफ को, उनकी सेहत को हम खतरे में नहीं डाल सकते. सो वी हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विल एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन. सो यू डू नॉट हैव टू बी वरीड कि हम आपको ऐसी सिचुएशन में पुश करेंगे जहां पे आपके लिए वो सेफ नहीं होगा. यस, इनहेरेंट चैलेंजेस हैं मार्कोर के, हमेशा 7 सालों से रहे हैं, लाइक ये किसी होटल के अंदर नहीं है, ये कैंपिंग बेस्ड है.
ये इसके लिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करना होगा, इसके लिए आपको कैंप हाइक करके जाना होगा, इसके लिए आपको अपनी हो सकता है अपना खाना खुद पकाना पड़े, इसके लिए हो सकता है आपको टेंट्स के अंदर सोना पड़े। वो ये इनहेरेंट चैलेंजेस, ये रिस्क हर मारफोर के अंदर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हमारी टीम 100% अल्लाह का शुक्र है 7 सालों में मारफोर किया, एक भी एक्सीडेंट वहां पे ऐसा नहीं हुआ जिसको हम एक्सीडेंट कह सके। माइनर एंकल ट्विस्ट होना, फीवर हो जाना, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। सो वो सेफ्टी कॉन्शियस हम पहले भी थे, अब हम उससे भी ज्यादा हैं। सो विल नेवर रिस्क एनीवनस लाइफ फॉर द सेक ऑफ दिस इवेंट। So there's a good comment, Alhamdulillah. मैं जमा कर चुकी हूँ मार्क फोर की फीस थ्रू माई ओन अर्निंग, जस्ट वेटिंग फॉर सिलेक्शन। सो दीज काइंड ऑफ पीपल आर देयर जिन्होंने पहले से सोचा हुआ है कि हमने आना है, और वो कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग इसको इंशाल्लाह करेंगे। सो कीप डूइंग दैट इंशाल्लाह। सो आई वुड बी टेकिंग लास्ट क्वेश्चन हियर, जो कि आई गेस ऑलरेडी एड्रेस हो चुका है, सो लेट्स डू इट अगेन। फीस सेम है या चेंज हो गई इसका? दो एड्रेस हो चुका है। फीस है मार्क फोर की जो दो फेजेस हैं, फेज वन वर्चुअल ट्रेनिंग और फेज टू विल्डरनेस कैंप। फेज वन की जो फीस है वो 10,000 रुपीज़ है, और जो फेज टू है उसकी फीस 20,000 रुपीज़ है, और फेज टू अटेंड करने के लिए फेज वन अटेंड करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच इफ्रा एंड समद भाई फॉर ऑल द इनसाइट रिगार्डिंग मार्क फोर 20 दैट यू शेयर्ड विद अस। And thank you so much to everyone who joined us in this live webinar. और हम दुआ करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक रहें इस मुश्किल वक्त में, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, जो SOPs define किए गए हैं इस situation में deal करने के लिए, उन SOPs को follow करते रहें, और इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक रहेंगे और इस सिचुएशन से हम लोग सब मिलकर निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और एक बहुत बड़ी चीज है जो हम लोग इवन अभी मार्कोर की बात कर रहे हैं तो इससे बहुत रिलेटेड है कि हम लोग अडेप्टेबिलिटी इसमें सीखते हैं। हम लोग जब उस पूरी चीज से गुजरते हैं तो हम लोग इस चीज को बहुत डेवलप करते हैं अपने अंदर कि हम लोग हर तरह की सिचुएशन में अडेप्टेबल बन सकें। तो अगर हमारे पास ये COVID-19 का भी एक फेज आया है और एक मुश्किल वक्त हमारे पास आया है, तो हम लोग इस सिचुएशन के मुताबिक भी अडेप्टेबल बन जाएं और अपनी जितनी भी लाइफ में सारी चीजें हो रही हैं इसके मुताबिक करें, इंस्टेड ऑफ कि हम वही जो लाइफ स्टाइल था उसी को फॉलो करते जाएं और अपनी भी जान खतरे में डालें और दूसरों की जान भी खतरे में डालें। तो इंशाल्लाह मार्क फोर 20 को भी जो हम कर रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हैं कि हम लोग इस सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर सकें और जो नीड ऑफ आर है इस वक्त उसको फॉलो करके हम इम्पैक्ट अपना और ज्यादा इंक्रीज कर सकें और लोगों की मदद कर सकें ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह। So with that said, मैं इंशाल्लाह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक भी अभी कॉमेंट्स में एड कर दूंगी। आई गेस ऑलरेडी हो भी चुका है, तो जस्ट गो टू दैट रजिस्ट्रेशन लिंक और उसको आप लोग फिल करें। और आपके अगर और स्टिल कोई और क्वेश्चन होते हैं तो यू कैन स्टिल राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, हम लोग उसको भी एड्रेस कर लेंगे। और यू कैन DM ऑन आर फेसबुक पेज और ऑन आर इंस्टाग्राम हैंडल, और यू कैन आइदर ईमेल एट marco@theyouthimpact.org। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हों, जो भी मसले हों, हम उनको सॉल्व कर सकें, काम कर सकें। तो एज एन एंडिंग नोट, समझ भाई कोई भी ऐसी चीज आप कोई बात करना चाहें, जस्ट अ स्मॉल थिंग, जस्ट टू मिनट, वन और टू मिनट थिंग, जो कि आप जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इस सिचुएशन से गुजरने के लिए कुछ भी कहना चाहें तो जस्ट यू कैन शेयर। वनीजा, मैं हमेशा इस पे यकीन रखता हूँ कि जो आपकी मोटिवेशन है ना, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके अंदर से आती है। वो मोटिवेशन आपकी सेंस ऑफ पर्पस, कि आप ये काम, कोई काम क्यों कर रहे हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन। और यस, वी नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन समटाइम्स, वी नीड पेप टॉक, वी नीड टू लिसन टू अ मोटिवेशनल स्पीकर, और वी नीड टू वॉच अ नाइस मूवी और रीड अ गुड बुक टू अपलिफ्ट आवरसेल्फ्स। लेकिन अगर हर वक्त आपको इस एक्सटर्नल सोर्स पे रिलाय करना पड़ता है तो इसका मतलब है अंदर कहीं पे बहुत बड़ा गैप है। सो फोकस ऑन दैट पार्ट, दैट व्हाई यू आर ऑन अर्थ, व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट इज योर बिगेस्ट मोटिवेशन,
एंड इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट आई एम श्योर कि आपको ये पेंडेमिक, आपको ये लॉकडाउन और आपको ये बहुत सारी अनसर्टेनिटी और चेंजेस आपको परेशान नहीं करेंगी, बिकॉज देन यू आर एमिंग फॉर समथिंग बिग, समथिंग ग्रेटर, समथिंग बियॉन्ड योर लाइफ, एंड दैट विल बी एनफ फॉर यू टू मोटिवेटेड योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें जी. Thank you so much. If you want to share as an ending note to the ones who are watching us. थैंक यू एवरी वन जिन्होंने ट्यून इन किया है. और बस एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मैंने और मेरी पूरी टीम ने और यूथ इंपैक्ट एलुमनाई ने इस फ्रेमवर्क पर बहुत मेहनत की है और इस फ्रेमवर्क को एक सक्सेस बनाने के लिए हम लोगों को इन सब की ज़रूरत है. और कि हम लोग अगर सोसाइटी में कोई चेंज चाह रहे हैं तो हम लोग इनकी हेल्प की वजह इनकी हेल्प के बगैर वो पॉसिबल नहीं है. सो आई जस्ट हैव अ रिक्वेस्ट कि काइंडली मार्कोर के लिए रजिस्टर करें और लाइक हमारी जहां तक पॉसिबल हो सके हमारी हेल्प करें. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.